फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ दरगाह में द बॉम्बे ढाबा एक रेस्टोरेंट खुल रहा है और आपको वीडियो भी सब कुछ दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और मैं अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो वो आपको बता दूँ कि छोटा शरीफ दरगाह चुंगी जलालपुर रोड अम्बेडकर नगर पर ये इसकी लोकेशन है। और अभी आपको सब कुछ एक्सप्लोर करवाएंगे, ये सुबह में किस तरीके से दिखता है और रात में किस तरीके से दिखता है, सब कुछ आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। इस समय अभी आप देख सकते हैं ये रात का नज़ारा है, अभी आपको यहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद सुबह में किस तरीके का नज़ारा होता है वो भी दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कल यहाँ का उद्घाटन होगा, उसके बाद वहाँ की भी वीडियो आएगी। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके का रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला हुआ है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ढाबा कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह। और ये रहा द बॉम्बे ढाबा, जिसकी ओपनिंग 5 अगस्त को होगी। और ये रहा सुबह का नज़ारा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से की गई है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर फैमिली के लिए अलग सेगमेंट है, और अगर आपको ओपन में लंच या डिनर करना है तो उसके लिए देखिए ये सोफ़ा साइड में लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये आई लव द बॉम्बे ढाबा बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सब कुछ मैनेज किया गया है। यहाँ पर आप और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखिए ये अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर अभी टेबल वगैरह लगेगी क्योंकि कल ओपनिंग है, तो अभी सारा काम आज होगा और हो ही रहा है काम, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर देखिए पूरा लाइट लगा हुआ है, इसके लिए हम एक बार फिर रात में भी आएंगे आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए। ये देख सकते हैं किस तरीके की सब नई नई लाइटें लगी हुई है, एकदम यूनिक तरीके की है। इंशाल्लाह हम रात में भी आएंगे वीडियो को शूट करने के लिए, ताकि हम अच्छे से पूरा वीडियो को कवर कर पाएं कि ये किस तरीके से सुबह में दिखता है और किस तरीके से ये शाम में दिखता है। और अपने साथ शमशाद भाई और साजिद भाई होते हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये वीडियो बनाने में मेरी बहुत मदद करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये फैमिली वाला सेगमेंट है, यहाँ पर फैमिली के लिए है, आप देख सकते हैं ये। एक बार हम फिर आ चुके हैं द बॉम्बे ढाबा, और आप ये रात का नज़ारा देखिए। सुबह में तो ये खूबसूरत लग ही रहा था, रात में तो ये खूबसूरती और डबल हो गई है, मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि यहाँ की जो लाइट और लैंप वगैरह लगे हुए हैं वो एकदम यूनिक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये आप खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं द बॉम्बे ढाबा का है, एक बार आप ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ पर। और लोकेशन की बात तो मैंने आपको लोकेशन बता ही दी है, किशोर शरीफ दरगाह चुंगी के पास है, और बहुत ही यूनिक है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। इंशाल्लाह हम उद्घाटन के दिन आएंगे, पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, उसका भी आपको सब कुछ वीडियो दिखाएंगे। सारे भाई इधर देखो, ले लिया और मैं आपको बता दूं अपने बसखारी दरगाह किछौछा का ये वन ऑफ द बेस्ट ढाबा होने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
इंशाल्लाह आपको भी ये ढाबा पसंद आएगा, एक बार आप जरूर आइए और आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको ये ढाबा कैसा लगा। कल आपके साथ हम मेनू भी शेयर करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर डिश होने वाली है, क्या रेट होगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। इसका पार्ट टू भी आएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि द बॉम्बे ढाबा किस तरीके का है और यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटी है और ये खूबसूरती किस तरीके से है। यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है ये। और आपको बताता चलूं कि यहाँ के जो ओनर हैं मोहम्मद कासिफ सनाफ शेख मोहम्मद राशिद, और ये हमारे साजिद भाई जो कि हमारे कैमरामैन हैं। और साजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे साथ वो वीडियो बनाने के लिए आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। चलते हैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं लाइट वगैरह की, क्योंकि हम सुबह में आए थे और यहाँ का रात का आप नज़ारा देखना चाहते हैं। ये लाइट जब जलती है तो किस तरीके से क्या नज़ारा होता है वो आपको दिखाते हैं। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि द बॉम्बे ढाबा किस तरीके का है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। दुनिया और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पर फैमिली का अलग सेगमेंट है, तो ये आप देख सकते हैं ये फैमिली का पूरा सेगमेंट है, इसमें सिर्फ फैमिली के लिए है। तो मिलते हैं आपसे पार्ट टू में और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।